नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की खासियत सोल कढ़ी। सोल कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कोकम लिए हुए हैं। ये 10 से 12 कोकम मैंने लिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने पानी गर्म करके लिया हुआ है। अब ये गर्म पानी मैं इस कोकम में डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ये जो गर्म पानी है ये इस कोकम में मैं डाल रही हूँ और इसे अच्छे से एक बार हाथ से ही ऐसे मिक्स कर लेते हैं। और अभी हम इसे साइड में रख देंगे ताकि जो कोकम का पानी है वो अच्छे तरीके से इसमें निकल जाए। आगे की प्रोसेस ये है कि यहाँ पे मैंने गीले नारियल का बुरादा लिया हुआ है और ये ताज़ा बुरादा है। हमें फ्रिज में रखा हुआ बुरादा यहाँ पे यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसका दूध अच्छा नहीं आएगा। साथ ही में यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है, यहाँ पे 8 से 10 अदरक की 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कलियां मैंने ली हुई है। अब हमें इस मसाले को मिक्सर के बाउल में निकालना है। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर का बर्तन लिया हुआ है, इसमें ये मैं पूरा नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। ये 1 कटोरी है। इसी में ये जो मैंने हरी मिर्च ली है इसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ। तोड़ के मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही अगर हरी मिर्च इसमें डाल दोगे तो वो पीसते वक्त अच्छे से पीस ब्लेंड नहीं होती है, इसके लिए इसको तोड़ के डालेंगे। और ये जो अदरक और लहसुन हमने ली है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही में इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डालने वाली हूँ। यहाँ पे इसमें 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच ही डालना है। और अब ये जो गर्म पानी मैंने किया हुआ है ये गर्म पानी मैं इसमें डाल के इसका मैं दूध निकाल लूँगी। तो दूध का जो प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे अभी इसमें मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। हमें ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, बस ये गीला हो जाए इतना ही हमें चाहिए ताकि इसका दूध अच्छे से निकल जाए। तो अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसे एक बार पीस लिया है अच्छे से। इसकी हमें फाइन पेस्ट नहीं करनी है, बस इसे दरदरा ही ऐसे पीसना है। तो अब मैंने यहाँ पे एक भगोना लिया है। इस भगोने के ऊपर मैंने एक छन्नी रख दी है और इस छन्नी के ऊपर मैं एक मसलिन का कपड़ा डाल के इस कपड़े के ऊपर ये जो मेरा मसाला है ये मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ। हमें हाथ से ये पूरा मसाला निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी एक पोटली बना देंगे और इसे निचोड़ के इसका जो दूध है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसका जो दूध है ये मैं निकाल रही हूँ, इसको निचोड़ के। जितना आप निचोड़ सकते हो उतना आपको निचोड़ के इसका दूध निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो गिरी है नारियल की ये फिर से हम एक बार मिक्सर में चला लेंगे। इसे मिक्सर में डाल के गर्म पानी डाल के फिर से एक बार मैं इसको चला लेती हूँ। ये प्रोसेस आप एक तो 2 बार कर सकते हो या 3 बार कर सकते हो। इसीलिए हमें यहाँ पे ताज़े नारियल की ही गिरी इस्तेमाल करनी है। फ्रिज में रखे हुए नारियल की गिरी इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि अगर फ्रिज में रखी हुई नारियल की गिरी आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो तो उसे उसका जो दूध है वो अच्छे से नहीं निकल पाएगा। तो अब मैं इसे फिर से एक बार मिक्सर में चला लेती हूँ और इसका दूध निकाल लेती हूँ। यहाँ पे जो मैंने कोकम गर्म पानी में भिगा के रख दिया था इसका मैंने यहाँ पे पल्प निकाल लिया है। अब ये जो पल्प है ये मैं इसके अंदर ऐसे डालने वाली हूँ और हमें ये चम्मच से डालना है, एकदम से सारा का सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इसे मिक्स करना है। तो ये देखिए इसका कितना कलर अच्छा आ गया है। अब ये जो बचा हुआ है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसके अंदर हमें नमक डालना है तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड कर लेती हूँ। 1 चम्मच शक्कर इसमें मैं डालने वाली हूँ। इसमें मैंने नमक और शक्कर ऐड कर दिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो नमक है और शक्कर है वो दोनों भी अच्छे से इसमें घोल जाए। तो ये हो गई है हमारी सोल कढ़ी रेडी। इसे हमें तड़का नहीं लगाना है क्योंकि तड़का लगाने से क्या होता है कि कभी कभार इसका जो टेस्ट है वो बदल जाता है। आप चाहिए तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हो या फ्रीज में रख के ठंडा भी आप इसे सर्व कर सकते हो। मैं इसे अभी फ़िलहाल तो फ्रीज में रखने वाली हूँ 1-5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं चलाते हुए मैंने जो नमक था उसे मैंने इसमें ही पिघलवा दिया है। जो शक्कर है वो थोड़ी बची है वो भी अपने आप इसमें पिघल जाएगी। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसे एक ग्लास में निकाल लिया है। आप चाहिए तो ग्लास में डाल के भी इसे पी सकते हो या चावल के साथ भी इसे खा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक